बिहार की राजधानी पटना समेत उत्तर भारत के लोग शुक्रवार की देर रात आए भूकंप के झटके से सहम गए। दरअसल शुक्रवार को राजधानी पटना समेत समूचे बिहार और देश के अन्य हिस्सों में साथ साथ नेपाल में तकरीबन 11:33 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के पैंक गांव में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। लोगों ने करीब 2 से 3 झटके महसूस किए। बिहार के सभी जिलों में तेज झटके महसूस हुए हैं। बिहार के साथ ही भूकंप का तेज झटका दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड समेत दूसरे राज्यों में महसूस किया गया। हालांकि फिलहाल कई से बड़े पैमाने पर नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली। कई घरों में दरार पड़ने की बात सामने आई। पटना में तो लोग अचानक भूकंप की बात सुनकर ही लोगों में भय का माहौल हो गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर पार्क और खुले मैदान में आ गए। कई लोग जो अपार्टमेंट में रहते हैं वह अपनी छतों पर पहुंच गए। देर रात तक लोगों में भूकंप का भय बना रहा। दोबारा झटके और डर के बीच लोग 12 बजे तक सो नहीं पाए। लोग अपने घर में तैयारी जो सोने की कर रहे थे वह डर महसूस करने लगे। लोगों ने बताया कि झटके आते ही पंखे और लाइट्स हिलते हुए दिखने लगे। भूकंप का असर पटना के अलावा मगध, कोसी, तिरहुत, सीमांचल पूर्वी बिहार और उत्तर बिहार के कई जिलों में महसूस किया गया। पटना के अलावा सासाराम, जहानाबाद, दरभंगा, मुंगेर, बांका, गया, बक्सर, औरंगाबाद, छपरा, कैमूर, भागलपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, सिवान, जमुई, खगड़िया, अररिया, मेधपुर जैसे जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात को 11:32 पे नेपाल में एक भूकंप के झटके जो हुए थे उसकी जो पोजीशन थी 28.84 लैटिट्यूड था ईस्ट नॉर्थ और 82.19 जो था आप देखेंगे इसका लोकेशन वो था, तो जिसमें इसकी जो इंटेंसिटी थी 6.4 मैग्नीट्यूड की थी और जिसकी जो कि बिहार में इसकी आप लोगों ने इसे महसूस किया। अभी तक हमें जो रिपोर्ट मिली है उसमें लगभग अधिकांश जगहों पर इस तरह की चीज़ें महसूस की। उसके बाद भी 2 झटके आए हुए हैं जिसमें था कि वो कम मैग्नीट्यूड के थे 3.5 और 3.8 के, तो 2 झटके उसके आफ्टर शॉक होते आते हैं। देखिए ये सैलो लेयर पे था, मतलब एकदम लेयर के ऊपर में था, तो इसकी जो आप देखेंगे कि इंटेंसिटी काफ़ी अधिक थी, तो ये काफ़ी जहाँ पे हुआ होगा वहाँ नेपाल क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है और खबरें भी इस तरह की आ रही है। भूकंप ऑलरेडी जो भी क्षेत्र है ना वो तराई के क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेट जो है वो आपस में टकराते हैं, इसकी काफ़ी विस्तृत में जानकारी उपलब्ध है। टेक्टोनिक प्लेट के हिलने के कारण जो है तो इस तरह के भूकंप आपको आता है। जितने भी है हिमालय के जो भी क्षेत्र है सारे भूकंप के लिए ही एक्टिव ज़्यादा जो है। देखिए आप हमारा मैप देखेंगे जो हम लोगों ने बना रखा है कि 4 जोन में बंटता है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5 होता है। ये जो भी क्षेत्र है जोन 5 में आते हैं जहाँ पे कि भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है और हाई इंटेंसिटी के भूकंप आते हैं।